हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एमडी। और आज हम बात करेंगे ऑसम स्क्रीन, ऑसम फीचर्स, लॉन्ग लास्टिंग डिस्प्ले लाइफ। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ फ्यूचर वाला टीवी, द फ्यूचर टीवी, यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट 8K QLED टीवी, जो कि सैमसंग ने लास्ट ईयर ही लॉन्च किया था। इस साल भी कंटिन्यूस आ रही है ये टीवी, बट भाई साहब इस साल जो टीवी लॉन्च किया ना इन्होंने, इसमें काफ़ी ज़्यादा कमाल के 4-5 फीचर्स हैं। और वही मैं 4-5 फीचर्स जो मतलब टॉप के वो फीचर्स मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा और टीवी का सारा ओवरव्यू आपको करके दिखाऊंगा वीडियोस में। तो वीडियोस काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है, तो आप वीडियो के साथ अंत तक आप बने रहो। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी देन प्लीज़ सब्सक्राइब द माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं आपके साथ आसानी से कनेक्ट रह पाऊँ जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ इन्फिनिटी स्क्रीन। भाई साहब ये जो इन्फिनिटी स्क्रीन है, पहले आप ये वीडियो देख लो, ठीक है। जी हाँ, कैसा लगा आपको स्क्रीन, कमेंट सेक्शन में बताइए। और कुछ अगर क्वेरी हो कुछ इस रिलेटेड तो आप वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। देन उसके बाद में बात कर लूँ तो ये इन्फिनिटी स्क्रीन यानी कि आपको 99% आपको बेजल आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यानी कि जब आप वॉल पे हैंग करोगे तो आपका जो टीवी है ना हवा में लहराता हुआ दिखेगा। तो भाई साहब जो लुक होगा ना वो कमाल का रहेगा, और आपका जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा डिस्प्ले का वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होगा। यानी कि प्रीमियम टीवी आप ले रहे हो ना, आप देखोगे भी प्रीमियम चीज़ें ही, तो कमाल का रहने वाला है ये। देन अब बात कर ले हम इसके पिक्चर क्वालिटी के बारे में। तो जैसे कि आप सभी जान रहे हो कि 8K टीवी है, तो 8K तो होगा ही होगा। इसमें पिक्सल्स जो आपको मिल जाते 7680, यानी कि आपको हॉरिजेंटल में मिल जाएंगे। और मैं बात करूँ वर्टिकल में, वर्टिकल में आपको 4320 आपको मिल जाएगा। तो पिक्सल काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं बता दूं ये टीवी अपस्केलिंग पावर में, तो वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, क्योंकि कंपनी इसमें जो है ना 8K AI अपस्केलिंग के साथ साथ 8K क्वांटम प्रोसेसर यूज़ कर रही है, जो कि अपस्केलिंग पावर टीवी का काफ़ी ज़्यादा हाई कर देती है। यानी कि आप किसी भी नॉर्मल कंटेंट को अप टू 8K तक के आपको ये प्रोवाइड करेगी, आपको पिक्चर क्वालिटी। एंड साथ ही साथ इसका जो अडेप्टिव पावर है वो काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण आपको पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ आपको साउंड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्हांस करके आपको प्रोवाइड करेगी। तो कंप्लीट मैं बात कर लूँ तो इसका जो साउंड और पिक्चर क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। और सबसे अच्छी बात मैं बता दूँ कि इस वाले में, यानी कि मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 950, ये इसका मॉडल नंबर रहेगा। तो ये सबसे टॉप मॉडल है। इस मॉडल में जो साउंड आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा 70 वाट का। तो साउंड आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल का और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट एक्सपीरियंस देगा। तो साउंड जैसा कि मैंने बताया, तो साउंड में आपको इसमें ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड प्लस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि OTS प्लस यूज़ कर रही है सैमसंग। इसमें जो आपको 6 फायरिंग स्पीकर के साथ मिल जाएगा, 2 टॉप में, 2 साइड में, 2 नीचे, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बता दूं आपको तो साउंड आपको काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और पीछे साइड में बता दूं आपको, इसमें 4 आपको लेफ़्ट साइड में और 4 राइट साइड में आपको एक्टिव सबवूफर देखने के लिए मिल जाएगा बैक साइड से। और सबसे ख़ास चीज़ मैं बता दूँ, ये ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड जो है ना वो कमाल का फील कराता है। मैं एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। तो देखा ना कैसा लगा आपको, यानी कि ये ट्रैक करेगा किसी भी चीज़ को, लाइक जैसे आप स्क्रीन पे कुछ सीन देख रहे हो, ठीक है, आपने जैसे देखा ये जो डायनासोर है रोर कर रहा है, यानी कि वो चिल्ला रहा है, दहाड़ रहा है, तो वो जिधर जिधर गूंज रहा ना उसका उस तरह से वॉइस उस पर ट्रैक कर रहा है। यानी कि मान लो इस कॉर्नर से अगर इस कॉर्नर जा रहा है तो साउंड को है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग करके आपको साउंड फील कराएगा। तो यार मतलब बता दो भाई साहब, साउंड का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का रहेगा। अब बात कर ले कुछ मैजिक वाला फ़ीचर्स, यानी कि हाँ मैजिक वाले की बात आता है तो यानी कि प्रीमियम टीवी ले रहे हो यार तो कुछ ना कुछ तो और कुछ यूनिक मैजिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जी हाँ, इसमें कंपनी जो यूज़ कर रही है वो यूज़ कर रही है एक्टिव वॉइस एम्पलीफायर। Did you go to his room after you went to see Mrs. Herbert? Once, yesterday. It was a short visit. What for? To confirm it myself. What did you have to confirm? I had a feeling I shouldn't go. So, were you right about your feeling? I haven't seen you since. To love someone, you have to love yourself first. As you might know, I didn't love myself. You keep lying. Personal feelings don't confirm your alibi. As you might know, I didn't love myself then. You keep lying. Personal feelings don't confirm your alibi. यानी कि जब आप टीवी देख रहे हो तो बहुत टाइम पे ऐसा हो जाता है कि उस टाइम पे बहुत सारे लोग आ गए, कुछ गॉसिप हो रहा है, तो आप क्या करते हो, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हो क्योंकि वोकल क्लैरिटी आपको मिल नहीं पाता है। तो ये सब लाइक जैसे या फिर कोई मिक्सी ऑन कर दिया, कोई ग्राइंडर चला रहा है, यानी कि कुछ भी साइड से जो नॉइस होता है वो नॉइस जैसे ही बढ़ जाता है आपको क्या होता है टीवी का जो साउंड है वो आप अच्छे से नहीं ले पाते हो। काफ़ी ज़्यादा ये सब कारणों से काफ़ी ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो जाते हो और साउंड आप क्या करते हो कि इंक्रीज़ कर देते हो, फिर भी वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिल पाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा होता है। तो आपको इस टीवी में क्या है कि कुछ नहीं करना, ये जो टीवी है ना खुद ब खुद ये सेंसर करेगा 3 से 4 सेकंड तक। अगर किसी भी तरह का नॉइस अगर आपके साइड में कुछ होता है, लाइक जैसे मिक्सर हो गया, ग्राइंडर चल रहा है या फिर कोई शोर शराबा कर रहा है, तो आपका जो टीवी का जो वोकल होगा यानी कि जो वॉइस वाला जो साउंड रहेगा वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा उसके। ये जो फीचर्स था वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और ये आपको किसी में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो ये टीवी कमाल का है। और ये टीवी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कुछ किसी तरह की अगर आप कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।